भाई और क्या चाहिए, सिंगापुर जैसी महंगी कंट्री में आपको 900 रुपये पर नाइट में लग्जरी कैप्सूल होटल मिल रहा है, ऊपर से फ्री ब्रेकफास्ट, और लोकेशन भी इतनी परफेक्ट है, मतलब लिटिल इंडिया के पास में बिल्कुल, तो किलर डील है यार मेरे हिसाब से तो ये। यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 27 दिसंबर 2019। अभी मैं हूँ सिंगापुर के अपने हॉस्टल में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैं थाईलैंड से फ़्लाइट लेके आया था सिंगापुर एयरपोर्ट तक। फिर वहाँ से मैंने MRT वगैरह लेके, सिम कार्ड लेके अपने हॉस्टल में आ गया था, और वो वीडियो मैंने वहीं पे ख़त्म कर दी थी। तो इस वीडियो में डे वन होने वाला आज सिंगापुर में, और हॉस्टल का टूर दूंगा, उसके बाद थोड़ी देर सोऊंगा क्योंकि काफ़ी थक रहा हूँ, और फिर रात को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जाएंगे सिंगापुर। रात या शाम देखते हैं जब कब तक सोता हूँ, क्योंकि कल रात से मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हुआ। लेकिन उससे पहले आपको हॉस्टल का टूर दे दूँ, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हॉस्टल का देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है बुकिंग का। और मेरे ख्याल से सिंगापुर ना देखो है तो काफ़ी महंगी कंट्री, लेकिन मतलब स्टे वगैरह ना आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन आप ये वीडियो देखोगे तो आप सस्ते में कर सकते हो सिंगापुर को। 3-4 वीडियोज़ की सीरीज़ आने वाली है पूरी की पूरी, कैसे सस्ते में एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा इसके मैंने पे करे पर नाइट 1000 रुपये का था, ये कैप्सूल होटल है तो बहुत मस्त, अभी दिखाऊंगा आपको, काफ़ी ऐसा लगता है कि फ्यूचर से किसी रूम में रह रहे हो। तो प्राइस इसका है तो अराउंड 1000 रुपये के आसपास पर नाइट, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ऐप बताऊँगा जिसका नाम है कैश करो, जिसमें आपको होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग या शॉपिंग करने पर कैश बैक मिलता है। तो उससे कैश बैक ले लूँ, कि मुझे ये जो डील पड़ी है अराउंड 900 कुछ रुपये की पड़ी है, जिसमें ब्रेकफास्ट फ्री है, और बहुत तगड़ा ब्रेकफास्ट है भाई। सिंगापुर जैसी कंट्री में 150-200 रुपये लग जाते हैं ब्रेकफास्ट के, तो वो भी आपके बचेंगे, मतलब एक तरह से अगर लगाओ तो आपको 700-800 रुपये पर नाइट पड़ रहा है। तो इससे अच्छी डील हो नहीं सकती है। फटाफट से टूर देता हूँ मैं आपको पहले। तो ये तो हॉस्टल का कॉमन एरिया जहाँ पे बैठ के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है। एक PC भी लगा हुआ है जहाँ पे आप काम कर सकते हो अपना। ये है हॉस्टल का किचन एरिया जहाँ पे आपको फ्री ब्रेकफास्ट मिलता है। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स, आपको जूस, इसके अलावा ब्रेड, बटर, जैम, केचप, बाकी एग्स भी बना सकते हो आप, क्योंकि फ्राई पैन रखा हुआ है, माइक्रोवेव, फ्रिज, सब कुछ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर टी, कॉफ़ी एंड जूस भी रखा हुआ है, और ये आप पूरा दिन पी सकते हो जितनी मर्जी बार, लेकिन जो ब्रेकफास्ट है वो सुबह ही आप कर सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो स्क्रीन पर। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जिस भी हॉस्टल में किचन होती है वहां पे आपको यूटेंसिल्स खुद से साफ करके रखने पड़ते हैं। ऐसा मत करना कि भाई साहब खाया और ऐसी गंदी प्लेट्स रख दी, आपको खुद ही धोनी पड़ेगी और खुद ही वहां पर रखनी पड़ेगी फिर से। इसके अलावा ये बाथरूम एंड टॉयलेट एरिया काफी साफ सुथरा बाथरूम है, वॉश बेसिन काफी साफ है। इसके अलावा शायद से 6-7 टॉयलेट्स थे और 4-5 बाथरूम थे। और इस तरह के हॉस्टल में रूम बने हुए जिसका अलग अलग नेम दिया हुआ है, इसके अंदर कैप्सूल रखे हुए हैं। तो ये देखो, एक रूम के अंदर 8 कैप्सूल रखे हुए, एक के ऊपर एक लगाकर। इसके अलावा हर एक कैप्सूल के लिए अलग अलग यहाँ पर लॉकर दिया हुआ है, जो आपके की कार्ड से ही खुलता है। तो आप कुछ भी यहाँ पर लैपटॉप वगैरह रख सकते हो, इस तरह से आपको ये की कार्ड लगाना है और आपका जो लॉकर है वो खुल जाएगा। स्पेस ठीक ठाक से, आप पूरा बैग नहीं रख सकते अंदर, लेकिन हाँ आप अपना जो लैपटॉप है, पासपोर्ट वगैरह, करेंसी है, वो इस लॉकर में रख सकते हो सेफली। इसके अलावा बाहर से कैप्सूल कुछ इस तरह से दिखता है। इस वाले कैप्सूल में गेट्स नहीं है, खाली पर्दे लगे हुए, लेकिन जो मेरा थाईलैंड वाला कैप्सूल था उसमें तो भाई साहब स्लाइडिंग वाले डोर थे। लेकिन यार ये पर्दे भी काफी ठीक है आपकी प्राइवेसी के लिए, और इसमें लॉक भी लग जाता है अंदर से, जो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। तो फटाफट से कैप्सूल के अंदर का टूर देता हूँ। तो अंदर से देख सकते हो इस कैप्सूल का कुछ इस तरह का लुक है। ऊपर यहाँ पे दे रखी है फॉल सीलिंग वाली लाइट्स, काफ़ी कूल लग रही है ना। ये है एक सामने मिरर, ये देखो, ये रहा मैं, और यहाँ पे कुछ बटन दे रखे हैं, और थोड़ा इग्नोर करना, सामान फैला दिया मैंने कुछ ज़्यादा ही। सबसे पहले ये 2 USB पोर्ट्स है, आपको कुछ भी चार्ज करना हो फास्ट एंड स्लो। एक ये हेडफोन जैक दे रखा है, यहाँ TV का बटन है, लेकिन TV इस वाले कैप्सूल में नहीं है, तो हेडफोन और ये जो है दोनों वेस्ट है। यहाँ पे रीडिंग लाइट का बटन, तो वहाँ पे देख सकते हो रीडिंग लाइट, तो इससे ऑन ऑफ कर सकते हो। ये है ऊपर सीलिंग लाइट का बटन, तो ये भी ऑन ऑफ कर सकते हो आप इस बटन से। ये है AC का वेंट का बटन, तो देख सकते हो यहाँ पर ये AC लगा हुआ है। और ये है बाहर फेंकने के लिए हवा अंदर की, तो ये दोनों इसी से कंट्रोल होते हैं, इसको आप बड़ा कम सकते हो फैन की स्पीड को। ये सबसे कूल फीचर है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर शीशे पे ये लाइट लगी हुई है बैकग्राउंड में, तो ये आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी वाइट है तो ये बंद कर दो, या तो वाइट कर दो, ये देखो ग्रीन, ब्लू, पिंक, ये ग्रीन है एक्चुअली, तो ऐसे 4-5 कलर है यहाँ पे। ये मेरा फेवरेट यही है वाइट। उसी के साथ में ये होल्डर है जहाँ पे आपको अपना कार्ड लगाना पड़ता है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो पावर नहीं मिलेगी इस कैप्सूल को। और उसी के साथ में एक डोर लॉक का बटन है, लेकिन ये भी काम नहीं करता क्योंकि इसमें डोर नहीं लगा हुआ, इसमें यहाँ पर पर्दे लगाए हुए एक तरह से। और कुछ रूल्स पढ़ लो, नो स्मोकिंग, कीप क्वाइट, इसलिए मैं धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि आसपास और भी लोग हैं कैप्सूल में।
और स्मोकिंग तो आप वैसे भी नहीं कर सकते अंदर। बाकी दो पिलो मिले हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सही, एक ये ब्लैंकेट मिला हुआ है, एक ये टॉवल मिला हुआ है, और हाँ ये तो बताने ही भूल गया, यहाँ मिला है एक ये टेबल। तो ये फोल्डिंग टेबल है, आप इसको खोल के आराम से रख सकते हो और फिर इस पे लैपटॉप वगैरह रख के काम कर सकते हो। मेरे ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है एडिटिंग के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हाँ यहाँ पे एक सॉकेट दिया हुआ है जिसमें आप अपना कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैंने अपना एक्सटेंशन लगाया हुआ है क्योंकि सारे डिवाइसेस चार्ज करने होते हैं मुझे, तो एक्सटेंशन रखना ही पड़ता है अपने साथ। और ये देख सकते हो प्राइवेसी के लिए पर्दा दे रखा है यहाँ पर, तो ये नीचे से लॉक हो जाता है और इस नोब को आप ऐसे घुमा के लॉक कर सकते हो ताकि ये खुले ना आराम से, तो पूरी प्राइवेसी रहती है काफ़ी सही। तो देख रहे हो भाई कितना मस्त हॉस्टल है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर लॉन्ड्री जो है वो सुबह के नहीं शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 8 या 9 बजे तक फ्री है, मतलब आप सेल्फ सर्विस है, खुद जाके अपने कपड़े धो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थाईलैंड में मैंने बहुत पैसे लुटाए हैं भाई कपड़ों के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। और अब मैं आपको कैश करो के बारे में बताता हूँ, कैसे आप कैशबैक ले सकते हो, काफ़ी आसान है। मतलब जो फ्लाइट होटल बुकिंग्स होती है उस पर आपको फ्लैट 7% तक का कैशबैक मिल जाता है। तो सबसे पहले बॉक्स में दिए गए कैश करो के लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप booking.com के ऑफर पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी सारी होटल बुकिंग पर कैश करो आपको फ्लैट 7% कैशबैक दे रहा है। और यही नहीं, इस कैशबैक को सीधा आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो इस कैशबैक को लेने के लिए आपको स्क्रीन के बीच में दिए गए ऑरेंज बटन पर क्लिक करना है। अब क्योंकि आप कैश करो पे न्यू हो तो आपको नीले बटन जो साइन अप का बटन है उस पर क्लिक करके साइन अप करना है। वही आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, बेसिक डिटेल्स भरनी है और उसके साथ ही आपका साइन अप हो जाएगा। साइन अप करते ही आपको देखने को मिलेगा कैशबैक एक्टिवेटेड लिखा आ रहा होगा, तो बस आपका काम हो चुका है। अब विजिट रिटेलर वाले ऑरेंज बटन पर क्लिक करो और आप booking.com की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे सीधा। और booking.com पर डालना spaceport@hive और वहां से इसको बुक कर लेना नॉर्मली जैसे आप करते हो किसी भी मतलब वेबसाइट या फिर पेमेंट मेथड से। और बुकिंग करने के थोड़ी देर बाद आप कैश करो कि माई अर्निंग सेक्शन पे जाना, वहाँ पे आपको आपकी पेमेंट दिख जाएगी। अभी ये जो है पेंडिंग शो करेगी, लेकिन जैसे ये कंफर्म में चेंज हो जाएगी आप सीधा इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सिंपल सा तरीका था कैशबैक लेने का। और होटल एंड फ्लाइट बुकिंग के अलावा आप इसमें शॉपिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने भी कपड़ों जूतों की शॉपिंग करी आने से पहले, उस पर भी बहुत अच्छा कैशबैक मिलता है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से कर लो चेकआउट। हाँ भाई, तो अभी रात के 10 बज चुके हैं, 3-4 घंटे की नींद ले लिए आधी अधूरी, और मैं निकल पड़ा हूँ अब नाइट मार्केट की तरफ, जो कि कहते हैं मुस्तफ़ा सेंटर। आप लोगों ने सुना होगा वहाँ पे काफ़ी सस्ते में गैजेट्स वगैरह मिलते हैं। तो एक्चुअली मुझे भी काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है, लेंसेज वगैरह लेने हैं महंगे महंगे। एक सिग्मा का लेंस आता है कैमरा का 1835, वो इंडिया में अराउंड 66,000 का, यहाँ पर अगर 6-7 हज़ार का ही फर्क हुआ तो मैं ले लूँगा। इसके अलावा मेरा जो दोस्त है मयंक, जिसको आपने हिमाचल वाली सीरीज में देखा, उसके लिए भी कैमरा के कुछ लेंसेज लेने हैं, माइक लेना है, गोरिल्ला पॉड लेना है। तो जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या डील मिलती है, अच्छा होता है अगर प्राइस तो मैं ले लूँगा यहाँ से, आपको ही बता दूँगा क्या है पूरा। और हाँ, दो इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले इंडिया और सिंगापुर के बीच में टाइम डिफरेंस है 2.5 घंटे का, क्योंकि मैं जब थाईलैंड गया था वहाँ के और इंडिया के बीच में डिफरेंस है 1.5 घंटे का, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा और फर्क है। तो यहाँ पर अगर रात के 10 बज रहे हैं तो इंडिया में 7:30 हो रहे होंगे अभी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई लोकेशन जो है ना ये बेस्ट है, मतलब आपको हॉस्टल होटल लेना हो तो यहीं पे लेना, लेवेंडर रोड के पास में, क्योंकि यहाँ से एक तो लिटिल इंडिया बहुत पास है, मतलब विद इन 1 किलोमीटर आप पैदल भी जा सकते हो। दूसरा, यहाँ से मुस्तफ़ा सेंटर बहुत पास है। मुस्तफ़ा सेंटर बेसिकली एक मॉल टाइप का, मतलब आप कह सकते हो कि प्लाजा है, जहाँ पे काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, काफ़ी सारे कपड़ों की शॉप है, तो आप शॉपिंग कर सकते हो वहाँ से। और ये मार्केट 24 घंटे खुलती है, मतलब सिंगापुर में रात भर भी आप लेट नाइट शॉपिंग करना चाहते हो तो ये अच्छा है प्लेस है। मैं जाके दिखाता हूँ क्या वहाँ पे प्राइजेस में फ़र्क है या नहीं है इंडिया और सिंगापुर में। तो भैया यही ले लो लेवेंडर स्ट्रीट के पास में हॉस्टल अपना, और मैं तो कहूँगा ये कैप्सूल हॉस्टल ले लो, बहुत बढ़िया है। मतलब कि कितने रुपए, 900 रुपये में पड़ गया वो कैशबैक के बाद, तो अच्छा है यार। इसमें ब्रेकफास्ट फ्री है, तो ब्रेकफास्ट फ्री है मतलब 150 रुपये तो लगा लो, 150-200 रुपये तो मेरे ब्रेकफास्ट में लग जाते हैं। तो वो भी अगर आप माइनस ही कर दोगे तो हॉस्टल के, तो एक तरह से मेरे को 750 रुपये पड़े, 750-750 रुपये में कैप्सूल हॉस्टल मिल रहा है, मस्त है। मैंने भी इसलिए 3 दिन के लिए वही बुक करवा दिया, का चक से फटे एक ही बारी में। और बस कॉम्प्लेक्स आने वाला है मेरे हॉस्टल से था 750 मीटर, 300-400 मीटर तो मैं चल ही चुका हूँ, बस 300-400 और रह गया। तो भाई ये देखो बिल्कुल रोड पे ही दिख जाएगा मुस्तफ़ा सेंटर, अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको थोड़े बहुत प्राइजेस क्या है यहाँ पर। नीचे वाली फ्लोर पे भाई अपने मतलब का तो गेम्स कैमरा वगैरह। कपड़े
कपड़े तो कुछ खास सस्ते नहीं है, उल्टा महंगे ही है। और जितना ही प्राइस दिखा रहा हूँ वो सिंगापुर डॉलर्स में है, तो उसको अराउंड 52-53 से मल्टीप्लाई कर लो। मुझे तो 55 पड़ा रेट, लेकिन आप 53 से कर लेना तो उतना ही प्राइस बैठेगा। ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट। डू यू हैव सिग्मा 18-35? नो। और कैनन 10-18? 10-18 395। ये इंटरनेशनल वारंटी। तो उस शॉप पे सिग्मा वाला तो मिला नहीं है, कैनन वाला तो इंडिया से ही महंगा है। इन कैनन का जो 10-18 है वो इंडिया में अराउंड है 16,000 कुछ का, यहाँ पे 21,000 कुछ का पड़ रहा है। ये देख लो भाई लड़कियाँ, मेकअप का सामान। मुझे नहीं पता इनके प्राइजेस कितने सस्ते हैं कितने महंगे हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट मार लो। वाह भाई, पूरे इसमें एक ही इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है क्या? $19.90 का स्पीकर, यानी $20, 1200। टाइप सी केबल $5.50। ओ भाई, वीवो के ईयरफोन $17 के, $17.50। ये देखो भाई यार, मुझे तो सब फर्स्ट कॉपी माल ही लग रहा है, और वो भी इतना महंगा लग रहा है इंडिया से, क्या फायदा यहाँ से लेने का। ये JBL का स्पीकर रखा है $459 सिंगापुर डॉलर्स, और पता भी नहीं मुझे ये ओरिजिनल है या क्या है, वैसे इतना महंगा है तो ओरिजिनल ही होगा। खैर ये देखो, मूवी डिस्क भी मिल जाएगी, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम $35। और भी ये सारी कलेक्शन है। मुझे कुछ खास नहीं लग रही यार ये मार्केट, मतलब इतनी सस्ती तो है नहीं जितना मैं सोच रहा था भाई। मार्केट में तो कुछ ढंग की शॉप नहीं मिली, बाहर एक दो और है कैमरा की शॉप, यहाँ पता कर लेता हूँ क्या है। यहाँ पे भी नहीं मिले भाई दोनों लेंसेज। आगे चलता हूँ, देखता हूँ शायद से मिल जाए, या फिर कुछ खाकर, भूख लग रही है क्योंकि अभी। देखो देखो क्या दिखा, PlayStation 4 Pro तो सस्ती है, अराउंड $600 की, कितना हो गया 32,000 के आसपास हो गया इंडिया में, 37 की है शायद से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ ही सेलर्स जो है आपको इंटरनेशनल वारंटी देते हैं, और गेमिंग कंसोल में आपको वारंटी नहीं मिलेगी सिंगापुर के बाहर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ले जा रहे हो तो वहाँ जाके वारंटी कुछ नहीं मिलनी है। हाँ, आप इंडिया ले जा सकते हो, कस्टम ड्यूटी आपको नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप एक दो चीज़ ले जा रहे हो, ज़्यादा ले जाते हो तो इंडिया में फिर कस्टम वाले भी आपको फटका लगा सकते हैं लंबा सा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक दो कंसोल ले जाना हो, गेम्स ले जानी हो, वो अलाउड है। तो मैं आया हूँ एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है नवाब बिरयानी। तो यहाँ इनके बोर्ड पर लिखा होता है $3 की बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखी जाए। दोपहर वाला ज़्यादा बेटर थी, वो ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट था, ये नकली माल लग रहा है। फर्स्ट कॉपी बिरयानी एक तरह से। ये कुछ कुछ टेस्ट ना मुझे वैसा लग रहा है जैसे मैंने मलेशिया में चिकन खाया था ना, मतलब वही वाला स्टाइल का टेस्ट है। और नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन वेजिटेरियन हो तो भाई आपको दिक्कत होगी, और शायद से महंगा भी पड़ेगा थोड़ा। कुछ मज़ा सा नहीं आया यार बिरयानी खा के और मुस्तफ़ा सेंटर दोनों जगह में ही, क्योंकि बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं था, वो मलेशियन स्टाइल बिरयानी थी शायद से, और मुस्तफ़ा सेंटर में कुछ काम का मिला ही नहीं, और जो चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा महंगी थी तो कोई फ़ायदा ही नहीं था लेने का। ठीक है यार। और हाँ, सिंगापुर के फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो भैया, सफाई के मामले में 10 out of 10, कहीं भी कचरा नहीं देखने को मिलेगा आपको, बहुत सफाई है। दूसरा, यहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट, लोग बिल्कुल गाड़ियाँ एक लेन में चलाते हैं, हॉर्न नहीं बजाते बिल्कुल भी। पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, पूरी गाड़ियाँ रुकती है जब भी वो ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है गाड़ियों के लिए। तो इन शॉर्ट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक। अभी मुझे हुए 6-7 घंटे हैं सिंगापुर में आए हुए, जिसमें से 3-4 घंटे तो मैं सो ही रहा था। तो फिलहाल तो 2 दिन और है मेरे पास सिंगापुर में, अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। और कल वाली वीडियो में तो खासकर आपको सिंगापुर घुमाऊँगा, दिखाऊँगा सिंगापुर कितना महंगा है, यहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनकी टिकट्स के प्राइजेस क्या है। तो कल की वीडियो मिस मत करना। बाकी इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, कैश करो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड मार लो फटाफट से। और रात के 11:30 हो चुके हैं, हॉस्टल आ गया मेरा, वो रहा सामने, बस जाके रेस्ट, तो सोऊंगा तो नहीं, इतनी नींद नहीं आ रही, फाइल ट्रांसफ़र कर लूँगा और देखते हैं क्या करना है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अपडेट्स बहुत पहले देता हूँ। बाय बाय।